हाय स्टूडेंट, मेरे स्वागत में आपका स्वागत है। सिविल रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। तो एनसीईआरटी कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान इतिहास का जो है पार्ट एक हमने पढ़ाया था, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। आज हम देखेंगे पार्ट दो, भारत में राष्ट्रवाद। ये मैंने कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न तो नहीं अभी कराया है, उसके लिए मैं अलग लगाऊंगा प्लेलिस्ट में। ये मैंने कराया है अदलक उत्तरीय प्रश्न, जो कि 2 अंक के आते हैं। ये 2 अंक के हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में आते हैं, ठीक है। तो देखिएगा इसमें जो है पहला प्रश्न है, उपनिवेश किसे कहते हैं। इसका उत्तर होगा गुलाम देश को उपनिवेश कहते हैं, गुलाम देश को उपनिवेश कहते हैं। प्रश्न दो है, रॉलेट एक्ट क्या था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो है कई साल ये पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो है रॉलेट एक्ट क्या था, तो इसका उत्तर है सन 1919 में पारित एक कानून जिसमें भारतीयों पर बिना मुकदमा को चलाए शंका के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था और उन्हें जेल में डाल दिया जाता था। बिल्कुल, क्योंकि 1919 से पहले और उसके बाद तक जो है हमारे भारत देश पर अंग्रेजों का शासन रहा और वो जैसा चाहते थे, जैसा कानून बनाते थे उनका ही चलता था। तो आज के जैसा नहीं था कि कोई इंसान, कोई आदमी गलती करता है तो उसके लिए न्यायालय है, अदालत है, कानून है, जैसी वो गलती करेगा उस आधार पे उसको जेल में भेजा जाता था। मगर पहले क्या था, अंग्रेज चाहते थे जिसको शंका के आधार पर पकड़ लेते थे और उन्हें जेल में डाल देते थे। इस कानून को, इस रॉलेट एक्ट को भारत में बहुत विरोध किया गया और इसे काला कानून नाम दिया गया। इससे भारतीय बहुत ही चिंतित रहते थे। तो आपको समझ में आ गया होगा रॉलेट एक्ट क्या है, ठीक है। इसमें बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी पूछता है, इससे रिलेटेड बहुविकल्पीय प्रश्न भी पूछता है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था। तो इसका उत्तर होगा रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था, जो कि अंग्रेजों के द्वारा पारित हुआ था। प्रश्न संख्या 3 है, सत्याग्रह से क्या आशय है, या सत्याग्रह किसे कहते हैं, सत्याग्रह से क्या आशय है। उत्तर देख लीजिएगा, सत्याग्रह शुद्ध आत्मबल है, सत्य ही आत्मा का आधार होता है, इसलिए इस बल को सत्याग्रह कहते हैं। बिल्कुल स्टूडेंट्स, समझने का प्रयास करिएगा। और हाँ, एक चीज आप लोग और ध्यान दीजिएगा कि जो है जितना कहा गया, जैसे बहुविकल्पीय है, जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, बहुविकल्पीय वो भी मैं अभी मेरे सिविल रिसर्च सेंटर से मैं लगाऊंगा, जो है सारे क्वेश्चन, जो है सारे प्रश्न लगाऊंगा इंपॉर्टेंट। और आपको ध्यान देना है जो है, ठीक है, धन्यवाद। क्या